सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप फोटो एडिटिंग जानते हैं या अडोब फोटोशॉप के बारे में जानते हैं या तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, तो बहुत कम लोग होंगे जो ये बात जानते होंगे। और जो ये बात जानते हैं उसके लिए उनको पता है इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। आपको फोटो एडिटिंग जानना जरूरी होता है क्योंकि उसमें आपको वहां पे जूम इन जूम आउट और उसके बाद बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, तभी जाके आपकी जो तस्वीर का बैकग्राउंड है वो चेंज होता है। लेकिन दोस्तों, प्ले स्टोर में एक ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है जिस पर आपने जस्ट एक दफा क्लिक करनी है और आपकी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर आप उस पे क्लिक करते हैं तो तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे आपने किसी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा से ली है, मतलब जिसको आप सादा लफ्जों में DSLR कहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्लिक करनी है, उसके बाद आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है टेलीपोर्ट। आप देख सकते हैं आपको सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन शो हो रही है, टेलीपोर्ट फोटो एडिटर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का आइकन आप देख सकते हैं, आपने ये एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन को तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और 4.2 इसकी रेटिंग है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें। चलिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस आपके मोबाइल फोन का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद आप कोई भी तस्वीर यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सेल्फी लेके उसको एडिटिंग करें तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मोबाइल फोन की जो गैलरी में एक तस्वीर है उसको यहाँ से लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सेटिंग्स है जो कि कुछ बेसिक है, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको दिखाऊं। उसके बाद जो फ्लैश है, उसके बाद गैलरी है, ये नॉर्मल चीजें आप खुद जानते होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक तस्वीर ले लेता हूँ जिसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपनी तस्वीर है उसको लेता हूँ। जैसे आप तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे तो राइट साइड ऊपर आपको एक टिक मार्क आइकन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चंद सेकंड के लिए तस्वीर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये तस्वीर यहाँ पे ओपन होगी तो आपके बालों का कलर चेंज हो चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बालों का कलर रेड है वो नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है तस्वीर का बैकग्राउंड। तो चलिए हम तस्वीर का बैकग्राउंड है वो चेंज करते हैं। दोस्तों, कलर के साथ आपको बैकग्राउंड लिखा नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो हमारी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने पिक आर्ट एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया हुआ है या आप अडोब फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना मुश्किल होता है किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करना। बैकग्राउंड चेंज तो हो जाता है लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। तो यहाँ पे हमें मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसा आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड मिल जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया और यूज किया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आप देख सकते हैं जितने मर्जी आप बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कस्टम बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं, मतलब जो आपके मोबाइल फोन में कोई भी तस्वीर है और आप चाहते हैं कि इस तस्वीर के पीछे लगाएं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम बैकग्राउंड। आप यहां पे सेट कस्टम बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फोन में से कोई भी एक तस्वीर है उसको यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड है आप यहां पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहां पे मैं कोई भी बैकग्राउंड से उसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद वो बैकग्राउंड देख सकते हैं हमारी तस्वीर के पीछे लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं आप जो बैकग्राउंड है उसको कितना ब्लर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे इसको मैं अप करूंगा तो तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है, मतलब ऐसे शो हो रहा है जैसे हमने किसी डिजिटल कैमरे से ये तस्वीर ली हुई है। जैसे आप अपनी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर लें या अपनी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर लें, तो चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस तस्वीर को अपने जो मोबाइल फोन की गैलरी है उसमें सेव करूँ, तो आपने इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर जो है वो सेव हो चुकी है। चलिए हम गैलरी में जाके इसको ओपन करते हैं।
तो ये है वो तस्वीर जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो चुकी है। दोस्तों हमने इस तस्वीर का पहले जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर भी किया है, उसके बाद हमने इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज भी कर दिया है। दोस्तों ये बहुत ईजी है, जस्ट आपको एक क्लिक करना पड़ेगी, उसके बाद आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने अडोब फोटोशॉप के बारे में और पिक आर्ट में भी मैंने आपको बताया कि तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज के ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।